हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ALB परीक्षा के बारे में। दोस्तों RRB चंडीगढ़ का है दोस्तों, यहाँ पर फुल टू एनालिसिस यहाँ पर देखने वाले हैं, A to Z एनालिसिस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों CVT 2 का जो हमारा एक्सेप्टेड कट ऑफ रहने वाला है उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। असिस्टेंट लोको पायलट का हमारा जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है, ITI टेक्नीशियन के लिए हमारा एक्सेप्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है एंड PCM टेक्नीशियन के लिए हमारा एक्सेप्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि जो हमारे RRB चंडीगढ़ जोन से दोस्तों जो टोटल वैकेंसी थी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए हमारी टोटल वैकेंसी कितनी थी, ITI टेक्नीशियन के लिए हमारी टोटल वैकेंसी कितनी थी एंड PCM टेक्नीशियन के लिए हमारी टोटल वैकेंसी कितनी थी। उसके बाद दोस्तों CVT 2 में जो कितने CVT 2 के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं, ITI टेक्नीशियन के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए एंड PCM टेक्नीशियन के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा CVT 2 का जो हमारा एक्सेप्टेड कट ऑफ बनता है उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले दोस्तों फुल एनालिसिस के साथ में ये पूरी वीडियो बनाई जा रही है। इससे पहले मैं दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि जो इससे और अदर जोन है उनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट से भी आप अपनी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही में आने वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि RRB जो हमारा RRB चंडीगढ़ है उससे दोस्तों टोटल असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वैकेंसी कितनी है, टोटल ITI टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी कितनी है, टोटल PCM टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी कितनी है और जो हमारी RRB चंडीगढ़ से जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है। तो दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 1308 वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट की RRB चंडीगढ़ से। वहीं दोस्तों ITI टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 2683 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है ITI टेक्नीशियन की RRB चंडीगढ़ से। वहीं दोस्तों टोटल PCM टेक्नीशियन कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, टोटल PCM टेक्नीशियन वैकेंसी की अगर बात करें तो दोस्तों 305 वैकेंसी है जो कि टोटल वैकेंसी है RRB चंडीगढ़ से। वहीं दोस्तों 4476 वैकेंसी है जो कि टोटल वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट, ITI टेक्नीशियन, PCM टेक्नीशियन सभी को मिला करके 4476 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं, ITI टेक्नीशियन के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं, PCM टेक्नीशियन के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं। तो दोस्तों 18 गुना कैंडिडेट अगर यहाँ पर क्वालिफाई किए जाते हैं, 1308 वैकेंसी जो कि टोटल वैकेंसी है, तो 23,000 कैंडिडेट हैं जो कि असिस्टेंट लोको पायलट में CVT 2 के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं। मतलब कि दोस्तों सारा डाटा मैं आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली डाटा निकाल के मैंने एक्सेप्टेड कट ऑफ यहाँ पर रेडी किया तो उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों 23,000 कैंडिडेट यहाँ पर CVT 2 में बैठे हैं असिस्टेंट लोको पायलट के। अब दोस्तों यहां पर 8 गुना कैंडिडेट हैं जो कि साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं, मतलब कि दोस्तों यहां से जो आपको क्वालिफाई किया जाएगा वो साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो 8 गुना कैंडिडेट यहां पर साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि यहां पर जो हमारे टोटल अब दोस्तों अगर बात की जाए कि यहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट हैं जो कि टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाते हैं साइको टेस्ट के लिए, तो लगभग लगभग दोस्तों 9,500 मतलब 10,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर साइको टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे। तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सारा डाटा आपको अप्रोक्सीमेटली दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं, उसके बाद जो आपके कट ऑफ बनने वाली है वो आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। अब दोस्तों मैं ITI टेक्नीशियन के लिए बात कर लूँ, फॉर ITI टेक्नीशियन के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ITI टेक्नीशियन के बारे में अगर बात करूँ, 13 गुना कैंडिडेट यहाँ पर दोस्तों क्वालिफाई किए जाते हैं CVT 2 के लिए, 2683 वैकेंसी है जो कि टोटल वैकेंसी है, 2683 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है। अब दोस्तों इनको अगर लगाया जाए तो 34,000 कैंडिडेट हैं जो कि CVT 2 के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं फॉर ITI टेक्नीशियन के लिए, CVT 2 के लिए। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ फॉर PCM टेक्नीशियन के लिए तो कितने कैंडिडेट, तो दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट इन PCM टेक्नीशियन की बात करूँ तो दोस्तों 80 गुना कैंडिडेट यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो दोस्तों 80 गुना कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर टोटल कैंडिडेट बनते हैं, मतलब कि लगभग लगभग 24,000 कैंडिडेट हैं जो कि PCM टेक्नीशियन के मात्र 350 लगभग 300 350 वैकेंसियों पर क्वालिफाई किए जाते हैं CVT 2 एग्जाम देने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर 80 गुना कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किए जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर इतने ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई क्यों किए गए हैं, तो दोस्तों जब आपका ओल्ड रिजल्ट आया था तो ओल्ड रिजल्ट में आपने देखा होगा कि जो आपकी कट ऑफ थी वो थोड़ी हाई गई थी, किसी मतलब PCM वालों की लगभग 60+ गई थी दोस्तों, 60+ के आसपास कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली थी, प्लस माइनस 2 कर सकते हैं।
अब दोस्तों लेकिन उसके बाद जो हमारा रिवाइज रिजल्ट आता है दोस्तों, रिवाइज रिजल्ट में जो हमारा कट ऑफ आता है वो दोस्तों जो हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क था दोस्तों 40 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर और फिर उसके बाद 25 नंबर। तो दोस्तों इसी पर हम सभी को क्वालिफाई कर दिया जाता है, मतलब कि 40, 30, 30, 25 नंबर जो हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क था वहीं उन्हीं को कैंडिडेट को यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया जाता है। मतलब कि दोस्तों और कैंडिडेट और अगर जॉन का आप देखोगे तो दोस्तों वहाँ पर 100+ जा रहे हैं, 100 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किया जाता है। लेकिन दोस्तों RRB चंडीगढ़ से यहाँ पर 80 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इसलिए हमारी दोस्तों यहाँ पर जो हमारी ये कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा क्वालिफाई किए गए हैं। अब मैं आपको बात बता दूँ कि दोस्तों जो PCM कैंडिडेट हैं उनकी थोड़ी किसी कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है। अब दोस्तों हम हमारी जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोस्तों फॉर ALP कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूँ, फॉर ALP कैंडिडेट हमारी जो कट ऑफ रहने वाली है एक्सेप्टेड कट ऑफ, तो दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट से अगर देखा जाए तो अगर आपके 43 से 47 नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन है जो कि साइको टेस्ट के लिए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँगी यहाँ पर जो आपका साइको टेस्ट होने वाला है। तो अब मैं बात करूँ दोस्तों OBC कैंडिडेट अगर आप हैं तो दोस्तों OBC कैंडिडेट में अगर आपके 41 से 44 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है जो कि साइको टेस्ट के लिए हो जाएगा, आप साइको टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर SC कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो दोस्तों SC कैंडिडेट में 37 से 40 नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन है जो कि साइको टेस्ट के लिए हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर ST कैंडिडेट के बारे में बात करूँ तो ST कैंडिडेट में अगर आपके 34 से 38 नंबर अगर आपके बनते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन है जो कि साइको टेस्ट के लिए कर दिया जाएगा, आपका साइको टेस्ट का कॉल आ जाएगा। अब दोस्तों मैं फॉर ITI टेक्नीशियन के लिए अगर बात करूँ, फॉर ITI टेक्नीशियन की अगर मैं एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट में अगर आपके 45 से 50 नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन है जो कि 100% श्योर है। अब दोस्तों यहाँ पर ITI टेक्नीशियन या PCM टेक्नीशियन के लिए कोई भी साइको टेस्ट नहीं होने वाला है। अब दोस्तों मैं बात करूँ फॉर OBC कैंडिडेट की, तो OBC कैंडिडेट में अगर आपके 41 से 46 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है जो कि साइको टेस्ट के लिए हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर SC कैंडिडेट की बात करूँ तो SC कैंडिडेट में अगर आपके 38 से 42 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है जो कि 100% श्योर रहने वाला है। वहीं दोस्तों अगर SC कैंडिडेट की बात करूँ तो SC कैंडिडेट में अगर आपके 33 से 38 नंबर का अगर आपका स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन है जो कि 100% श्योर रहने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ कि जो ये मैं एक्सेप्टेड कट ऑफ आपको बता रहा हूँ ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होने से पहले है, ना कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। जब दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर हैं वो बढ़ने वाले हैं एंड जो आपकी कट ऑफ है वो भी थोड़ी सी हाई रहने वाली है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 नंबर कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले हैं। ये दोस्तों फॉर ALP, फॉर ITI एंड फॉर PCM कैंडिडेट सभी पर ये फॉर्मूला लागू होने वाला है। तो दोस्तों सभी में ये नॉर्मलाइजेशन होगा, मैं सभी जो डाटा बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइजेशन करने से पहले बता रहा हूँ, ना कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में। अब दोस्तों फॉर PCM कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ, फॉर PCM कैंडिडेट का जो हमारा एक्सेप्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बात करूँ तो दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट में अगर आपके 72 से 77 नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन जो कि 100% श्योर रहने वाला है। वहीं दोस्तों अगर OBC कैंडिडेट की बात करूँ तो दोस्तों आंसर की में अगर आपके 68 से 74 नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन है जो कि 100% श्योर रहने वाला है। वहीं दोस्तों SC कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 66 से 71 नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन है जो कि 100% श्योर रहने वाला है। वहीं दोस्तों अगर ST कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो दोस्तों 64 से 68 नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर बनने वाला है तो दोस्तों अगर आपका आंसर की में स्कोर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन है जो कि 100% श्योर रहने वाला है। ये सारा डाटा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन करने से पहले है, ना कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, साथ ही में दोस्तों जो आपकी कट ऑफ है वो भी थोड़ी सी हाई जाने वाली है। तो दोस्तों और अदर जो जोन है उनकी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आपको मेरे चैनल पर वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको सारी जोन की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही आने वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।